अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डबल एम न्यूज़ के साथ आपका मेज़बान सायम राजपूत आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डबल एम न्यूज़। नाज़रीन कराम, जैसा कि लाहौर में एक खौफनाक वाकया ये पेश आता है कि एक सखा भाई अपने नन्हे से भाई को जान से मार डालता है। नाज़रीन कराम, ऐसी कौन सी नन्हे से मासूम से बच्चे से गलती हो जाती है कि भाई अपने छोटे से भाई को जो 13 साल हसीब है उसको छत पे बुलाता है और उसकी गर्दन दुबाने के बाद उसको ड्रम में बंद कर दिया जाता है और ऊपर से कपड़े वगैरह और तोड़े वगैरह डाल दिए जाते हैं। जब 24 घंटे के बाद हसीब की लाश बरामद होती है तो आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि उसकी जो डेड बॉडी है उसके हालात आप देख सकते हैं। नाज़रीन, ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि सलामी जमहूरिया पाकिस्तान में एक भाई अपने नन्हे से भाई के साथ ऐसा कर सकता है? ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन ये वाकया ये घर बोल रहा है। नाज़रीन, ये मोहल्ला बोल रहा है, मोहल्ले के लोग बोल रहे हैं। वो नन्ना हसीब इसी घर में खेलता कूदता था, आवाजें लगाता था भाई भाई की, लेकिन उसी भाई ने उस नन्हे से भाई की जान ले ली। नाज़रीन, ये घर जो है सिर्फ और सिर्फ 2.5 मरले का है। और एक और बात क्लियर करता चलूं, गलती मुझसे ये होगी कि मैंने सका भाई बोल दिया, वो सका नहीं था, सुतेला भाई था, 13 साल हसीब, जिसके साथ ये हालात कर दिए गए कि नाज़रीन ना वो अभी दुनिया में है और बस उसकी यादें रह गई हैं इस मोहल्ले में। नाज़रीन, बहुत बड़ी बात यह है कि वो वालिद जो कि ज़ईफ है बेचारे, दाढ़ी रखी हुई है उन्होंने, अब मुझे बताएं कि वो इस उम्र में क्या करें, आए उनकी तरफ भरते हैं, उनसे जानते हैं कि आपसे कहां पे गलती हो गई कि जो अली ने ये काम किया। नाम बहुत अच्छा है लेकिन काम वो आपके सामने है। आपने वो ड्रम भी देखा होगा जिसमें हसीब को बंद किया गया, उसमें रूह डाला गया, फिर उसको जो है वो ढूंढता भी रहा। भाई ने ऐसी मुनाफ़िकत दिखाई कि अपने भाई को मारने के बाद वो ढूंढता भी रहा और बाद में जब भाई नन्ना मिला तो यहाँ से फरार हो गया, पुलिस के हवाले कर दिया गया। लेकिन अब जो उनके वालिद साहब हैं वो अब आए जानते हैं उनसे कि वो क्या चाहते हैं, आए उनकी तरफ बढ़ते हैं। नाज़रीन कराम, जिनके बाहर घर के बाहर खड़े हो गए, मैंने आपको बताया वो कमसन और मासूम सा बच्चा जो हसीब, उनकी वालदा हमारे साथ मौजूद हैं और वालिद साहब भी मौजूद हैं, आए इनसे बात करते हैं और इनके वालिद साहब से भी जानते हैं कि अली की जो आपने तरबियत की उसमें क्या फ़र्क रह गया, और इनकी वालदा से भी। लेकिन ये मैं आपको बताता चलूं कि ये जो वालदा हैं ये इनकी सेकंड वाइफ है, यानी कि अली की दूसरी अम्मी हैं और जो हसीब है उनकी ये वालदा हैं। आइए बात करते हैं पहले वालदा से कि शायद इनके प्यार में कोई कमी रह गई हो। ये बताएं कि अली ने जो किया उसके ऊपर उसको कितना अफसोस है? उसको अफसोस होता तो ये करता, उसको कोई अफसोस नहीं है। आपको कैसे पता चला कि आपका नन्ना मासूम बच्चा जो 24 घंटे नहीं मिला वो कहाँ पे होगा? कोई कंप्लेन करवाई उन 24 घंटे के अंदर? जी करवाई थी, लेकिन वो मिला वो जाता ही कहीं नहीं था, वो घर में ही रहता था या कहीं एक आधे दोस्त के पास, और गले में उसका एक ही दोस्त था उसके घर चला गया, उसके घर भी थोड़ी देर ही रहता था तो फिर आ जाता था। लेकिन उस दिन तो इंतहा हो गई, मैं उठी हूँ, मैंने खाना वगैरह बना लिया, ना करवा भी दिया, सारा खिलार वगैरह भी सारे कर लिए, वो नहीं मुझे नजर आ। फिर मैंने कहा मैं उसको लेके आती हूँ कि वो अभी तक आया नहीं, नाश्ता भी नहीं उसने किया, 2 बजने लगे हैं, 1 बज गया, तो मैं लेने गई, मैंने कहा बाजी हसीब को भेजो से वो नाश्ता खा ले, इतना टाइम हो गया। कहती बाजी हसीब तो आया ही नहीं है। मैंने कहा नहीं हसीब तो सुबह का आया हुआ। कहती नहीं हसीब नहीं इधर आया। फिर मुझे पता चला कि वो हसीब नहीं इधर है ही नहीं, उसको कोई ले गया। मुझे मैं यही समझती रही कि उसको कोई ले गया, कि पापा नमाज पढ़ने जा रहे थे, मैंने कहा हसीब को देख के ना हसीब नजर नहीं आ रहा, लेकिन मैंने आज तक नहीं कभी उसे देखा कि वो मुझे बताए बगैर कहीं जाए। बात ऐसे है कि लोग ये कहते हैं, देखने वाले भी ये कहते हैं कि जो माँ होती है वो तो माँ होती है और सुतेली माँ वो सुतेली माँ ही होती है। मुझे ये बताएं क्या आपने कभी अली में या हसीब में कोई फर्क किया हो? फर्क वो राय दादी और चाचू के पास रहा था। अब जब वो छोटे होते थे ना, मैं कहती थी कि मुझे भेज दो मेरे पास, मेरे छोटे बच्चे होंगे तो वो उनमें घुल मिल जाएंगे, तो उनको कोई पता नहीं चलेगा ये सुतेले हैं या सके हैं। वो उन्हें भेज देते थे, थोड़ी देर भेजते फिर आके पीछे से वापस ले जाते थे। फिर वो एक दफ़ा पक्के पक्के चले गए, मैंने कहा इनको या इधर का रखो या उधर का रखो, क्योंकि बच्चे इस तरह बिगड़ जाते हैं। तो फिर उन्होंने तल्ले मिलते हैं कि इन्होंने कहा चलो ले जाओ। मैंने कहा फिर बाद में ना मुझे कहना कि ये मैंने बड़े हो जाएंगे तो मैं भेज दूंगी, फिर मैंने नहीं रखने। कहते चलो वो तो बात की बात है। और बात अली ने नन्ने से हसीब को, फिर भाई है ना उसका भी नन्ना भाई, और भाई होता तो ऐसा काम ना करता। ऐसी कौन सी बात होगी, ऐसी कौन सी दिल में अली की ऐसी चीज थी कि उसने इस नन्हे से बच्चे को इतनी दर्दनाक मौत दी? उसको अब उसने ये बयान दिया है कि मैंने उसकी माँ को तकलीफ देने के लिए मैंने उसको मारा है। तूने माँ को तकलीफ देनी थी तो मुझे मारता, उसको क्यों तकलीफ दी है? मुझे तकलीफ देनी थी ना, उसको नहीं देनी थी, वो तो बच्चा था, तो तेरा भाई था।
मेरा बेटा था ना तो तेरा भाई था। बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है। और ये वालदा है, और देखें माँ बाप गलती करें तो बच्चों को सजा, ये क्यों ऐसा कब तक होता रहेगा इस माशरे में? आए वालिद साहब की तरफ बढ़ते हैं। और वालदा अक्सर ये कहती हैं और अब शायद आगे भी कहती हैं, सब कुछ कसूर इनका है। आए इनसे बात करते हैं कि आपका क्या कसूर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक। अल्लाह ताला आपको अजर दे, अल्लाह ताला आपको सब्र दे। मुझे ये बताएं कि अली कहाँ कमी छोड़ दी आपने? राय नहीं हमारे पास, तो उसकी वालदा फौत हो गई, तो अब गांव में मेरी वालदा इधर आई थी इसको रखने के लिए। महीना मेरी वालदा इधर रही, महीने से ज़्यादा वो नहीं रह सकते क्योंकि वो खुले इलाके के रहने वाले लोग हैं, बंद घरों में वो नहीं रह सकते। फिर मजबूरन मुझे बच्चे गांव में भेजने पड़े वालदा के पास। फिर कई दफ़ा हम ले के आए, दाखिले इधर कराए सियासी पब्लिक स्कूल में, दो दफ़ा दाखिल कराए, पर मेरी वालदा उनके बगैर नहीं रह सकती थी, वो वापस ले जाती थी। अभी तक आपको लग रहा है कि ये अच्छा मुझे बताएं, अभी तक आपको ये लग रहा है कि ये सब कुछ आपके बेटे सगे बेटे ने किया? हाँ जी किया, जो उसी ने उसने कबूल भी कर लिया। रास्ते में फ़ोन करता गया, बहन को उसने फ़ोन किया अपनी, बहन बार बार पूछती थी कि अली असर मुझे सच बता दो, माँ बाप को परेशान ना करो, अगर बच्चे का कहीं गलती से सर फोड़ दिया और उसका खून बह जाएगा या कोई टांग तोड़ दिया या बाजू तोड़ दिया तो बाप को बता दो ताकि वो उसको हॉस्पिटल तो लेके जाए। तो वो कहती थी कि आपने ही किया है, आपने ही किया। वो मानते ही नहीं था, कभी इधर दौड़ कभी उधर दौड़, कभी छत पे जा ये वो। जब वो कत्ल करके दौड़ गया तो उसने फिर बता दिया बहन को कि मैंने मार जलाया भी गया असीब को, क्योंकि उसकी हालत ऐसी है जैसे उसको जलाया गया। उसको बिल्कुल नहीं जलाया गया, उसको तोड़े में डाल के, वो तोड़ा भी बिल्कुल सलामत है, तोड़े में डाल के बाद में जब उसको उसने फेंका उस ड्रम के अंदर, तो इतनी ज़्यादा तो गर्मी थी मेरे ख्याल में 50 से भी ऊपर होगा दर्जे हरारत टेम्परेचर, और वो बांधे ड्रम है बिल्कुल सील है, उसके ऊपर ढक्कन दे के फिर लोहे का कड़ा है, लोहे के कड़े को फिर हैंडल के साथ बंद किया जाता है। भाई तो नहीं कर सकता, कर नहीं सकता, वो उसने किया है, वो तो खुद मान रहा है मैंने किया है। उसने पुलिस भी बयान दिया कि पहले मैंने उधर ही वहीं कहीं कपड़ों वगैरह में छुपाया था बिस्तरों में, तो जब मैंने समझा कि सारा खानदान इकट्ठा हो गया तो अब वो फेंक नहीं सकता, तो फिर उसने उसको ड्रम में बंद कर दिया। मारने के बाद नन्हे से अपने भाई को मारने के बाद आपके साथ ही मोहल्ले में बाहर जाके दूर दराज जाके भी उसको ढूंढता रहा? जनाब वो आप पहले इधर नहाया धोया फिर बाहर निकल गया, 5-7 मिनट बाद वापस आया क्योंकि उसका मोबाइल रह गया था, वो मुझे नहीं पता कि मोबाइल लेने के लिए आया। उसने कहा मैं बोतल पीने गया था, तो फिर माँ से उसी माँ के पास जिसके जिसका जिगर का टुकड़ा वो मार चुका है भूखा प्यासा, फिर उसके पास बैठ के खाना खा रहे हैं, खाना खाने के लिए भी आ गए। आलम को क्या सजा होनी चाहिए? इसको सजाए मौत, और उसके अलावा हाल ही नहीं, इंसानियत का कातिल है, उसको छोड़ेंगे तो किसी और को मुझे मारेगा, क्योंकि मुझे तो कहता था कि मैंने तुम्हें मार देना और तेरा जलाजा भी नहीं पड़ना, ये मुझे नहीं पता था कि अजीब को मार देगा। अपील करना चाहती हूँ आला काम से, हम नवाज साहब से हमारी अपील है, ये सामने उसकी तस्वीर लगी हुई है, ये मेरा बेटा सीवी लगा के गया, हम तो शुरू से ही नून लीग के साथ। नाजिकराम ये वालिद साहब की बात सुने जी, आपके ये कह रहे हैं कि इन्हीं के बेटे को, इनके बेटे को मारने के बाद और इतनी दर्दनाक जो है वो मौत देने के बाद इन्हीं के हाथ से रोटी खाने के लिए आ गया। आपने खाना बना दिया? हाँ जी बना दिया। अफसोस हो रहा है? अब अफसोस हो रहा है मुझे, तो मैंने क्यों बना के दिया, आनी चाहिए। अब आप बता, मैंने तो शक्ल नहीं इसकी देखी, अब आप बता सकते हैं कि क्या होना चाहिए उसके लिए? एक माँ का दर्द ना तो बता सकता हूँ ना फील कर सकता हूँ, ये तो आपने बताना। वही ना, कड़ी से सजा मिलनी चाहिए, सजाए मौत होनी चाहिए बस, और कुछ नहीं। मैं सजा उम्र कैद की मैं सजा नहीं चाहती, सिर्फ उसे वही देनी, फांसी देनी चाहिए बस। अल्लाह ताला आपको सब्र दे। नाज़रीन कराम जैसा कि कुरान पाक में भी है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायकतुल मौत, हर चीज़ ने मौत का मजा चखना है। ये 2.5 मरले का घर है और ये बुजुर्ग शख्स बैठे हुए हैं जिन्होंने ये घर बनाया है। अली को शायद ये था दिल में कि इनका जो सुतेला भाई है हसीब, ये हसीब की पिक्चर देखें, ये जो सुतेला भाई है ये इस घर का मालिक ना बन जाए, यहाँ प्यार में कमी रहेगी, वालिद साहब की या वालदा की। नन्हे हसीब को छत पे बुलाया, उसकी गर्दन दुबाई, और ईद के सेकेंड दिन जबकि लोग जानवर कुर्बान कह रहे थे तो उसने अपने भाई को एक दर्दनाक मौत दी और उसको एक जो ड्रम है उसमें बंद कर दिया, और बंद करने के बाद फिर खुद ढूंढने चला गया। कैसा मुनाफिक भाई निकला। नाज़रीन कराम बहुत अफसोस की बात है, लेकिन इन्होंने कहा कत्ल का बदला कत्ल, और ये कुरान में भी है, ये मेरे इस्लाम में भी है, और वाकई ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये कहते हैं कि अगर वो वापस आया या उसको 10 साल की सजा हुई तो इससे अच्छा है जज साहबान आप उसको छोड़ें ताकि वो आए हमें भी मारे और आप कट्ठी सजा दें। नाज़रीन कराम आपने मोहल्ले के हालात देखे कि मोहल्ले में जो शख्स है वो इस हसीब को ढूंढ रहा है, वो ये हसीब को खेलता हुआ चाहता है कि वो इस मोहल्ले में जब खेलता है। नाज़रीन कराम वालदैन
छोटी सी गलतियां करते हैं, लेकिन वही गलतियां बच्चों के आगे आ जाती हैं। ये माँ का कोई कसूर नहीं, इस वालिद साहब का कोई कसूर नहीं। मुझे बताएं ये कहाँ कफालत करने जाएं। अब टाइम था बैठ के खाना खाने का, अब टाइम था अच्छी जिंदगी गुजारने का, अब ये बुजुर्ग क्या करें? मुझे बताएं तीसरी शादी करें या चौथी करें? ये फैसला आप लोग करें कि आप लोग खुदारा क्यों करते हैं। ये मेरी वीडियोस उन लोगों के लिए भी है जो अपने भाइयों को जायदाद के लिए सोच के बैठे हुए हैं कि अगला कदम हम भी ये उठाने वाले हैं। खुदारा ऐसे ना करें, क्यामत के ऊपर ये क्यामत है। आप कहते हैं हमने क्यामत नहीं देखी, लेकिन ये क्यामत है, आप देख सकते हैं यही क्यामत है। और वीडियोस हसीब की भी चल रही है जो जलने वाली है, जो ड्रम में रखा गया इस गर्मी में, वो भी वीडियो मेरी स्क्रीन पे जा रही है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और मरियम नवाज साहिबा, अपील इन्होंने आपसे कर दी है, आपसे गुजारिश है कि आप भी इस नन्हे हसीब के लिए, इस घर में आए, माँ हैं आप, एक अब तो दादी भी हैं, तो खुदारा आप इस बच्चे का इनके घर आए ताकि इनसे ताजियत करें। अपना ख्याल रखें, अपने मेजबान को इजाजत दीजिए। जी जी मरियम साहब, एक दफा भी तरफ इस हल्के में नहीं आई, हमने उनको मुंतखब किया है, ये उसी इसी हल्के से जीत के ये MPA बनी है, आना चाहिए। इस बाप की इल्तजा है, जरूर सुनेगी। अपना ख्याल रखें, अपने मेजबान को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।